तो दोस्तों फिर हाजिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 1979 में आने वाली पांच टॉप बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों यहीं पर जानेंगे कि साल 1979 की इन पांच टॉप फिल्मों में पहले नंबर पर कौन सी फिल्म थी, दूसरे नंबर पर कौन सी फिल्म थी, तीसरे और चौथे और पाँचवें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साल 1979 में आने वाली उन पाँच टॉप बड़ी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर सबसे ज्यादा कमाई की थी और नए रिकॉर्ड बनाए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साल 1979 की इन पांच टॉप फिल्मों के बारे में बताएंगे, बजट के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि साल 1979 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांचवें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था काला पत्थर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 24 अगस्त साल 1979 को। इसमें हमें नजर आए थे अहम किरदार में अनीता वचन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, राखी गुलजार, परवीन बॉबी इसमें अहम किरदार में थी और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 2,50,00,000 रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3 करोड़ रुपए कमाई थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 60,65,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी एवरेज करार दी गई थी। और ये मूवी साल 1979 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांचवें नंबर पर थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1979 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था मिस्टर नेटबल लाल। ये मूवी साल 1979 में आई थी और ये फिल्म रिलीज हुई थी 8 जून साल 1979 को। इसमें हमें नजर आए थे अनीता वचन, रेखा, अमजद खान, कादर खान इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 2,20,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया से 3,25,00,000 रुपए कमाई थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 6,50,00,000 रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सेमी हिट करार दी गई थी। और ये मूवी साल 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चौथे नंबर पर थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था सरगम। ये फिल्म रिलीज हुई थी 8 जनवरी साल 1979 को। इसमें हमें नजर आए थे अहम किरदार में ऋषि कपूर के साथ जयप्रदा अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें सरगम मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, इटिया फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1,50,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया से 4 करोड़ रुपए कमाई थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 8,02,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। और ये मूवी साल 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरे नंबर पर थी। और दोस्तों ये भी पहली फिल्म थी ऋषि कपूर और जयप्रदा की जोड़ी में बनने वाली और पहली फिल्म साल 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरी बड़ी फिल्म भी बन चुकी थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था जानी दुश्मन। ये फिल्म रिलीज हुई थी
25 मई साल 1979 को इसमें हमें नज़र आए थे अहम किरदार में जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, और इसमें मुख्य किरदार में परवीन बॉबी के साथ नीतू सिंह अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4,50,00,000 रुपये कमाए थे। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 9,50,00,000 रुपये की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, हॉरर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। और ये मूवी साल 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरे नंबर पर थी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि साल 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहले और नंबर वन पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था सुहाग। ये फिल्म रिलीज हुई थी 16 नवंबर साल 1979 को। इसमें हमें नज़र आए थे अनीता बच्चन, शशि कपूर, अमजद खान, और इसमें मुख्य किरदार में और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5,05,00,000 रुपए कमाई थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। और ये मूवी साल 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहले नंबर पर थी। और दोस्तों इसमें शशि कपूर और अमजद खान और अमिताभ बच्चन साहब का जो किरदार था, काबिले तारीफ था, बहुत ही लाजवाब था, और इसी वजह से ये मूवी साल 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली नंबर वन फिल्म बनी थी। तो दोस्तों ये रही साल 1979 में आने वाली 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में। तो दोस्तों साल 1979 में आने वाली इन 5 टॉप फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों जैसे कि आप हमारे चैनल बाजीगर ग्राफी पे हर बॉलीवुड के सुपरस्टारों की मूवियों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसानी से जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि हमने साल 1970 से लेकर साल 1979 तक उन 5 टॉप फिल्मों के बारे में बताया है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर सबसे ज़्यादा कमाई की थी और नई रिकॉर्ड बनाई थी। तो दोस्तों ये साल 1979 की वो 5 टॉप फिल्में थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर सबसे ज़्यादा कमाई की थी और नई रिकॉर्ड बनाई थी। तो दोस्तों आपकी इन 5 टॉप फिल्मों में से कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप हमारी वीडियो को किस जिले कहाँ से देखते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।